1609 का साल, राजस्थान के रेतीले और गर्म इलाके में बसा एक राज्य जिसकी सुंदरता ऐसी है जो देखते ही आंखों से दिल में उतर जाती है। वो इतना भव्य है कि कई पड़ोसी राज्यों के दिलों का कांटा बना हुआ है। इस राज्य का नाम है उदयगढ़, जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। यहां गम का नामो निशान तक नहीं है। ये एक ऐसी नगरी है जिसे आज तक कोई परास्त नहीं कर सका। तभी इस खुशहाली के माथे पर कलंक के टीके की तरह उभर कर आया शेर खान। उदयगढ़, वाह क्या खूबसूरत है। उस्मान जी जनाब, एक हफ्ते के अंदर हमारा झंडा इस किले पर लहराना चाहिए। एक हफ्ता तो बहुत दूर है जनाब, हुक्म करें तो मैं आज लहरा दूं। नहीं उस्मान, ये सोच गलत है। ये कभी किसी से हारे नहीं है। यहाँ के सैनिकों को जिसने शिक्षा दी है वो है वीरों का वीर काल भैरव। उसके कबीले में पैदा होने वाला 100 को मार कर ही मरता है। काल भैरव वो भगवान है क्या? खंजर जब उसके दिल में घुसेगा तो खून तो उसका भी बहेगा ना मान सिंह। ताकत से खौफ ज्यादा कर देने वाला यह बादशाह आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। Thank you.
हमें यूं ना तड़पाओ। अपने अंदर छुपे हुए प्रेम को अब तो अपने होठों पर ला दो। कह दो कि तुम हमसे प्रेम करते हो। मेरी सांस, मेरा जीवन, मेरा प्रेम, मेरा सब कुछ तुम ही हो मैत्रा। महाराज को दिए हुए वचन की वजह से तुम्हें स्वीकार नहीं कर सका। जिन काले बादलों को गुरूर है कि इन्होंने तेरी जिंदगी छीन ली है, वो जानते नहीं कि तू तो चलता हुआ सूरज है जिसे भले ही मजबूरन डूबना पड़ा, लेकिन एक न एक दिन अपनी उस बेपनाह मोहब्बत को हासिल करने के लिए तू इन काले अंधेरे बादलों को चीरता हुआ जरूर आएगा। तुझे आना ही होगा। क्या बात है, हर तरफ हेडलाइट्स दिख रही हैं। ऐसी एक बाइक मिले तो दो तीन को अपने पीछे बिठा लूं। पीछे से याद आया, आई गो चांस मार रहा है। चांस पे चांस, हम दोनों की थिंकिंग कितनी मिलती है। हियर कम्स आवर इवेंट ऑर्गेनाइजर रेशमा। घर की गिरी बंद कर। शर्त कितने की लगी है? 1:5 5 times your money। 100 का 500। इतने पैसों में तो मैं फरारी खरीद कर लड़कियां पटाऊंगा। चल हाइट बता। Only 20 feet यार। 20 feet यार, ऐसे बोल रही है जैसे 20 इंच हो। Not interested। शकल बिगड़ गई तो कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा। चल मेरे 5,000 शाम पर। You still want to do it?
मैं जानती थी। एक का पांच भी कोई बेट है, एक का दस हो तो बता। हाँ? ओके। तू पैसे डीले कर। अरे अरे सुन, ये 10,000 चले गए तो शौचालय के आगे भीख मांगनी पड़ेगी। शिव तुम अभी हिस्सा लोगे? यप। शिव इज डूइंग इट। अरे यार, जैसे ही ऊंचाई बढ़ती जा रही थी मेरा बीपी भी बढ़ते जा रहा था। ये ठंडा ले और चिल मार। तो कहां गई मेरी स्विस बैंक की तिजोरी? भाई, लड़की फुर हो रही है। तू फरारी की तैयारी कर ले, मैं स्विस बैंक की तिजोरी खोल के आता हूँ। फॉलो। हेलो हेलो। लड़के में लाइन मारने की कोशिश कर रहा है। मेरा बाप मेरे को घर से निकाल देगा, ये तो ऐसे ही टाइम पास। क्या टाइम पास? या ये चोटी क्यों बांधी? स्टाइल है बाबू। स्टाइल है या। अपना थोड़ा जरा उधर कर और थोड़ा उधर, काट के फेंक दे। सूट नहीं करती, देख बेटा। डांटर फटा दिया। काफी संस्कारी दिखता है। डांस का मतलब सिर्फ बॉडी को हिलाना नहीं होता है, ऐसे स्टेप्स लो कि लोगों की सीटियों से इच्छा तोड़ जाए। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिलहाल तो गाड़ी उड़ाई है, छत भी उड़ा लूंगा। या काफी कॉन्फिडेंट लगता है तू। बिल्कुल अपने बाप पर गया। साइड में आइए। क्या रे, मेरे बॉस को डांस सिखाएगा तू? मेरे बॉस तुझसे ज्यादा अच्छा डांस। अरे अरे, क्या बात कर रही है, मरवाई सीखा मेरे को नहीं आता। प्लीज बॉस करो ना। ठीक है तो हो जाए। कैसा लगा? झटका लगा ना? क्या ठुमका लगाया बॉस आपने? आप कभी लड़की पर लाइन नहीं मारेगा? ये घर जाकर थोड़ी डांस की प्रैक्टिस कर। चल जरा मेरे को सी ऑफ कर दे। अब जाओ, वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। थैंक्स बॉस। बाय। ए चोरी। क्या? Hey-oh, 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 hey-oh
गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर बन गया। शाबाश चिप, तेरा हिस्सा। ए स्विस बैंक, अपने से पंगा नहीं है? वो भी दो ना। किसने कहा था तुझे दिमाग चलाने के लिए? बचपन में स्कूल गया होता तो गवार नहीं रहता, गधा कहीं का। दो पैसे बचाने के चक्कर में टैक्सी की जगह ऑटो में लेके जा रहा है, मेरी इमेज का क्या होगा? अरे इमेज को छोड़, इस ट्रैफिक में और मेरे बजट में हमें ऑटो ही परवर्ती है। अगर टाइम पे एयरपोर्ट नहीं पहुंचे ना तो तुझे हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। क्या बात है, इतनी हड़बड़ी में कहां जा रहे हो भाई लोग? बैंकॉक, वहां बाइक रेस और जंपिंग दोनों है। फिगर से तो लगता नहीं तुम राइडर हो। वहां देख, वो लड़की ऑटो के लिए हाथ दिखा रही है, अगर हम उसे लिफ्ट दे तो 10-10 रुपए शेयर कर लेंगे। अरे वरना मुंह तोड़ दूंगा तेरा। सफेद ड्रेस पहना था उसने, मुझे उससे मिलना है। अबे रुक, अबे तेरा लगेज तो ले जा, उसके पर्स से पैसे लेकर आता हूं। पहले भाड़ा। मजाक करता है। अबे चल भाड़ा निकाल। तूने व्हाइट ड्रेस पहनी लड़की को देखा? नहीं तो। एक्सक्यूज मी, सॉरी, तूने व्हाइट ड्रेस पहनी लड़की को देखा? कहाँ चली गई होगी? वेची को। एक्सक्यूज मी? या? आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? एक्चुअली यहाँ एक व्हाइट ड्रेस पहनी लड़की ऑटो का इंतजार कर रही थी। आई डोंट नो कहाँ चली गई। अरे वो तो उससे क्यों ढूंढ रहे हो तुम? हाँ, you know, क्या आप जानती हैं उसे? हाँ जानती तो हूँ, मेरी बचपन की दोस्त है। तो फिर मैडम प्लीज उसका एड्रेस दीजिए ना, आप जल्दी से बता दीजिए, मैं नोट कर लेता हूँ। हेलो, पहले ये बताओ तुम्हें उससे क्या काम है? एक्चुअली वो और मैं क्लोज फ्रेंड्स हैं। अच्छा, या इतने क्लोज होने के बावजूद उसका एड्रेस नहीं पता? वो काफी लंबी स्टोरी है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सुनाओ। कई साल पहले मैं उस लड़की से डीपली प्यार, आई मीन लव करता था। लेकिन प्यार का दुश्मन उसका बाप बहुत घटिया निकला। घटिया? वो मेरी दिल की धड़कन चुरा ले गया, किसी ऐसी जगह जिसका मैं पता भी नहीं जानता। प्लीज रानी का एड्रेस दीजिए। तुम उसे प्यार से रानी बुलाते हो? क्योंकि वो मेरे दिल की रानी है ना। वैसे आप उसे किस नाम से बुलाती हैं? ओह, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। इंदु। ओह, इंदु। कोई बात नहीं, ये नाम भी अच्छा है, मैं भी उसे यही बुलाऊंगा। अच्छा मैडम, अब उसका एड्रेस। एड्रेस क्या? उसका घर ही दिखा देती हूँ। सुपर। हेलो, ऑटो नहीं बुलाओगे क्या? ओह सॉरी सॉरी, ऑटो क्या, मैं प्लेन लेके आता हूँ। लड़की पटाने का अच्छा तरीका है, पहले ड्रेस फिर एड्रेस। देखते हैं ये रोड साइड रोमियो किस हद तक जाता है। प्लीज कम, लेट्स गो। थैंक यू। चलिए भैया, जहाँ मैडम बोले ले चलिए। अबे शिव, भाड़ा। अबे कितनी बार कहूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। 30 रुपए के भाड़े के लिए तुझे चेन दूँ? फूटी किस्मत। बस बस यहाँ रुको। अच्छा पहुँच गए क्या? रुको रुको भैया, इंदु यहीं रहती है ना? इंदु, इंदु डार्लिंग। बड़ी जल्दी है उसे मिलने की। किसी के प्यार में पढ़ के देखिए मैडम, पता ऑटो का भाड़ा कौन देगा? 30 रुपया हुआ। या छुट्टा नहीं है सर, टिप समझ के रख लो। अरे रुकिए रुकिए मैडम, एड्रेस तो आपने बताया ही नहीं।
सीधे जाके लेफ्ट लेना, फिर राइट साइड पर चौथा घर। यस। क्या चेहरे अंकल, आप जरा अपनी बेटी को बुलाइए ना। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी वाइफ है। तुझसे एक साल ही बड़ा हूँ मैं, सिर्फ बाल ही चले गए हैं मेरे। नहीं नहीं, वो खाली पुकट बैल क्यों बजाया? आपकी बीवी नहीं, आपकी बेटी इंदु से मिलना था। मेरी बीवी को मेरी बेटी बोलता है? है क्यों भाई, प्यार का चक्कर है क्या? बचपन से। तो तू मेरा दामाद बनने आया है? सही समझ लिया। अरे तू तो मेरी बेटी से भी ज्यादा शर्माता है। उसने कभी मुझे बताया नहीं कि तुम इतने हैंडसम हो। एक्चुअली उसने मुझसे कमिट नहीं किया ना, कमिट करेगी तो बता देगी। उसने कमिट नहीं किया पर तुमने कमिट कर लिया। अपने कमिटमेंट के लिए मुझे कमिट करवाना है कि मैं तुम्हारे कमिटमेंट में फंस जाऊं। है मारते क्यों? क्यों रे, अभी तक मैंने एंजॉय नहीं किया, बच्चे की प्लानिंग चल रही है हमारी। एक भी नहीं है तो उसने यहाँ क्यों भेजा? हेलो, वो लड़की मेरी बीवी है। आज लाइन मारोगे, कल लव लेटर दोगे, परसों भगा ले जाओगे और गोवा ले जाकर पैर भारी करके छोड़ दोगे, और यहाँ बैठ के मैं क्या भजन करूंगा? चल निकल यहाँ से। अंकल भड़कते क्यों? भड़कू नहीं, लुंगी संभालने का होश नहीं है और तुझे लड़की चाहिए। क्या पता अंकल, कहीं छुपा के रखी होगी, आपकी फर्स्ट वाइफ की बेटी होगी। क्या बकवास कर रहे हैं? जो मुंह में आ रहा है बके जा रहा है। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। सेकंड सेटअप। क्या विचार थे लड़के के, मूड फ्रेश कर दिया। तो फ्रेश होना है तुम्हें। मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? कितने दिन से तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है? मेरा सोना बच्चा, अपने डार्लिंग पे शक कर रही हो? अरे वो कल का बच्चा कुछ भी बोलेगा तुम। अब सिर्फ मैं बोलूंगी। उस लड़के को पागल कुत्ते ने काटा था, जो आके फालतू में तुम्हारी दूसरी बीवी से बात करेगा। नो साउंड। ठीक है, बोला ना नो साउंड। कहाँ रहती है वो चुड़ैल? भगवान की कसम खा रहा है। वैसे कौन से भगवान की कसम खा रहा है तू? कृष्णा, मतलब तू तो पक्का बिगड़ने वाला था। चुप कर, राम बनता है। ठीक है, उस लड़के को बुला के ला और उससे कहलवा कि तेरा कोई भी अफेयर नहीं है, तब जाके तू बाप बनेगा। नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी, औरत के खिलाफ मारपीट का केस लगवाऊंगी, फिर कमर पर डंडे पड़वाऊंगी। क्या करूंगी मैं? जाओ जाओ ना, एक्टिंग करता है। क्यों, मिल गई इंदु? मतलब आपने जानबूझकर गलत एड्रेस दिया? कितनी बड़ी झूठी है तू। झूठी कहा? तो क्या करती, तुम्हारा कैरेक्टर जाने बिना ही तुम्हें एड्रेस दे देती क्या? अगर उसका गला काटने की धमकी देते तो, ताकि वो तुमसे प्यार करे? अगर तुम उसका रेप करते तो? रेप? अगर उसका मर्डर कर देते तो? और अगर उसको जला देते तो? बस कर पगली, रुलाएगी क्या? शक्ल शरीफों वाली और बातें करती है काकी सावंत वाली। क्या कहा? क्यों मेरे टूटे हुए दिल पर नमक छिड़क रही है? रेप की बात कर रही है, मैंने उसे आज तक छुआ तक नहीं है। अब तक तो शक्ल भी नहीं पहचानी है, छुओगे कहाँ से? अब इस बदनसीब को और मत तड़पाओ, जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। बस मुझे एक बार मेरी इंदु से मिला दो। मिलाओगी ना? फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुमने तो कहा ना कि उसका बाप बहुत घटिया आदमी है, कहीं उसने तुम्हारे हाथ पैर तोड़वा दिया तो? मैं उसे तुम्हारे लिए लाने की कोशिश करूंगी। रॉक गार्डन रेस्टोरेंट में मिलवाती हूँ उससे। really? लेकिन बहुत बड़ी ट्रीट लूंगी। सुपर्ब। थैंक यू। यस, नहा धो के तैयार हो जाता हूँ। लोग लड़की देख के प्यार करते हैं, ये कपड़े देख के प्यार कर रहा है। कहीं कपड़ों का बिजनेस तो नहीं है इसका? अरे यार, एक लड़की के छूने से तेरी बॉडी में करंट लग गया तो क्या अब हर लड़की को चेक करेगा? मुंह खोला तूने। सॉरी। एक तो उसके नाम मिलने से परेशान हो रहा हूँ, ऊपर से तू पकाए जा रहा है। बस उससे एक बार मिलना है, जानना है कि उसके छूते ही मेरी दिल की घंटी क्यों बज गई। फिलहाल तो ऑटो की घंटी बज गई। ऑल द बेस्ट। ये पकाओ कहाँ से आ गया? मेरे लिए? नहीं कोई बात नहीं, जब तुम हमारे घर आए थे मैं ओवर रिएक्ट कर गया था क्या? बोला तो था। वैसे राउंड फिगर में मैंने कितनी गाली दी होगी? बहुत दी थी। ओह, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जब आदमी फ्रेश नहीं होता है ना तो मूड खराब हो जाता है। एनीवे, इफ यू डोंट माइंड, जरा और करीब आना। अब क्या गोद में बिठाएगा? मतलब की बात बोल। मेरा कुछ स्टैंडर्ड है कि नहीं? Oh.
यार पूरा झुंड आ रहा है, इसमें से भाभी को कैसे पहचानोगे? तुम्हें तो जानता हूँ, तुमसे हाथ क्यों मिलाऊं? ये पकड़ो। हाय शिव। आई एम टीना। हाय। हाय, आई एम सुनीता। हेलो। हाय। क्या हुआ? तुम इंदु को साथ नहीं लेकर आई? वो थोड़ी लेट आने वाली है। शे। क्या? क्या कहा? मतलब हम सब बेकार हैं और वो महारानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे रुको रुको, यहाँ आ जाओ, आ जाओ प्लीज। अरे ये क्या, बुक्कड़ की तरह टूट पड़ी। लगता है श्रावण के पूरे महीने का उपवास आज ही तोड़ेंगी। कोपचे में आना एक मिनट। क्या है? सुन यार, मुझे तो डाउट है, कोई इंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, ये उसका नाम लेके चिकन तंदूरी चबा रही है। बिल तो तेरा ही फटेगा ना, फेस जितना भोला उतना ही आग का गोला। ये देख क्या देखूं? इतना मुंह मत चलाया कर, इनको लगता है कि हम सब भिखारी हैं, चलो हमें नहीं खाना। वेट वेट वेट, भिखारी साला, क्या कर रहे हैं आप लोग? इंदु के फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स। शो सम रिस्पेक्ट, इनसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बैठिए ना। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुझे? तेरी शक्ल से अच्छा तो जला हुआ मुर्गा होता है। अरे तंदूरी मुर्गा तो टेस्टी होता है, ये तो सड़ा हुआ अंडा और बासी आलू है। अबे बदकुआरिया, चल। अपने बचपन के दोस्त को तू ऐसा बोलेगा? नो डाउट, ये लड़कियां उसे तंगड़ी कबाब समझकर चूस रही हैं। ये बात तो अंधे को भी समझ में आएगी, लेकिन इसे नहीं आ रही। ए चश्मिश, तुझे समझ में आ रहा है कुछ? मुझे साफ नजर आ रहा है। तो तू उसे समझा था क्यों नहीं? ऐसे गधों से ही तो धंधा चलता है। कब तक क्यों इंतजार करोगे उसका? कल फिल्म देखने के लिए ले आऊंगी, अभी घर चलते हैं। नहीं रहने दो, बाय चांस अगर इंदु आ गई और मैं नहीं मिला तो वो अपसेट हो जाएगी ना। तुम जाओ ना, मैं यहीं रुक जाता हूँ। वेरी क्लियर। इसे कैसे भी देखे, वो महल वो जायदाद सिर्फ आप ही की है। उसके पास सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी है, उसका अधिकार नहीं। चाहे जायदाद मेरी हो पर मैं वहां जा भी नहीं सकता। 15 सालों से मैं कोर्ट के सिर्फ चक्कर ही लगा रहा हूं। क्योंकि अब तक आप मुझसे नहीं मिले थे। मैं कल सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करता हूं, 15 दिनों के अंदर आप महल में होंगे। वकील प्रिय रंजन, साला बहुत खतरनाक आदमी है। अगर वो ये केस सुप्रीम कोर्ट ले गया तो हम जरूर हार जाएंगे, ये महल हमारे हाथ से निकल जाएगा। खंबा गढ़ी हुकुम, वो वकील को उठा लाए। इसे वकील के बारे में कैसे पता चला? सर, सर, आपको जाने बिना ही मैंने ये केस ले लिया। मैं छोड़ देता हूँ, मुझे जाने दीजिए प्लीज सर। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बीवी बच्चे, मुझे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए प्लीज सर, प्लीज सर, सर सर, इनसे कह दीजिए मुझे मुझे छोड़ दे, इनसे छुड़वा दीजिए सर। आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर? छोड़ दीजिए सर, आप लोग इन्हें सर। भाग जाओ, भाग जाओ। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। चलो अपना काम तो हो गया? अभी तक नहीं हुआ, अभी एक काम बाकी है। हाँ? बाकी है? कौन सा काम? आज जिसने हिम्मत की कल कोई और करेगा। ये केस क्लोज करना होगा। ये! 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 ये!
यही है वो मेरा दोस्त प्रताप राठौर। बाय डैडी। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बेटा? एक बकरा मेरा इंतजार कर रहा है। बाय। ना ये है इंदु, इसे भी रास्ते से हटाना होगा। जी 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 जी, फूल फूल चाहिए। एक मिनट रुको। क्या हुआ इंदु? इसकी खूबसूरती ने मुझे दीवाना कर दिया, मुझे यही चाहिए। ठीक है, पहले इसके बाप को मार दो, फिर इसके साथ एक रात गुजार लेना। सिर्फ एक रात के लिए नहीं, हर सुबह हर रोज पूरी जिंदगी के लिए। इससे शादी करके अपना बनाऊंगा। शादी? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे रहते वो कभी नहीं मानेगा। तो मानेगा ना वो? अगर मैंने ठान लिया कि ये चीज मेरी है तो हर कीमत पर वो मेरी है। अंकल, महाराजाओं की तरह रहने की बजाय आप यहां क्यों आए हो? मेरे पिताजी ने दोस्ती का फायदा उठाकर आपकी पीठ पीछे छुरा फोंक दिया और आपकी सारी जायदाद हड़प ली, जिसके लिए वो शर्मिंदा थे। उनके अंतिम शब्द थे कि मैं आपको आपका हक वापस दे दूं। अंतिम शब्द? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अनाथ हो गया अंकल, पिताजी अब नहीं रहे। ये क्या हो गया? अब आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जायदाद, ये महल सब आपका है। मुझे खुशी होगी अगर आप अपना हाथ मेरे सर पर रख दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे अरे नहीं, काश तुम्हारे पिता के पास भी तुम्हारे जैसा दिल होता तो हमारी दोस्ती नहीं टूटती। खुद को कभी अनाथ मत समझना। ये तो आपका बड़प्पन है। अरे अंकल, इंदु कहाँ गई? क्या रे, सफेद कुर्ते वाले के साथ सिर्फ फ्री में मूवी देखेगी या उसके साथ लाइफ सेट करने का इरादा है? देखते हैं वो मुझे और कितना बर्दाश्त करता है। मेरी जान, चम्मच छोड़ो। क्या चीज है यार, ऊपर से नीचे तक मस्त चीज है। क्या दीदी, अकेली पिक्चर देखोगी? भैया को नहीं ले जाओगी? अरे डार्लिंग, मेरी दाढ़ी नहीं चुपेगी तेरे को। आ जा, रुक जा, चले आने दे। क्या हर बार ये छोटा रिचार्ज लेकर आ जाती हो? इंदु कहाँ है? वो लड़के मुझ पर बहुत गंदे कमेंट्स कर रहे हैं। कौन? क्या यार, ये इंडिया का फ्यूचर है, देश को डुबाएंगे। इंदु बहुत ही गंदे वर्ड्स यूज कर रहे थे। यार देखो, देखो, एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकाल देने का। अब इंदु कब आएगी बताओ ना प्लीज। अब इंदु नहीं आएगी। क्या? क्योंकि उन्होंने इंदु पर भी बहुत गंदे कमेंट्स किए थे। लेकिन ये तो बहुत आम बात। इंदु पे कमेंट करेगा? अबे तेरी तो, इंदु के बारे में कमेंट करने की तेरी हिम्मत कैसे? अरे जा, माफ किया। अरे बोला इसको फाइट नहीं करने का। क्या किया? अरे कुछ नहीं किया। अरे बोल बोल, क्या बोला था इंदु के बारे में? बोल ना, मेरी इंदु को छेड़ेगा। क्या रे, तेरे रोने से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर जब इंदु का नाम लिया तो ये खतरों का खिलाड़ी बन गया। ये तो प्यार में डूब चुका है, इसे कब बताएगी कि तू ही इंदु है? वो आ रहा है, कबाब में हड्डी मत बनो। इसके बाद कभी इंदु का नाम मुंह से लिया ना तो छोड़ूंगा। देखा, सबकी पीप मार दी मैंने। अब तो इंदु को फोन करके बता दूं कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। ऑलरेडी फोन कर दिया है। थैंक यू। वो तुमसे पार्क में मिलेगी। अच्छा सुनो, वो पक्का आएगी? हां हां, श्योर श्योर। ओके ओके,
ए ब्लू टॉप, हाँ शील डेफिनेटली कम ना, पक्का पक्का ओके। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। क्यों? इंदु जितना अच्छा नहीं है मगर तुम्हारा फिगर उतना बुरा भी नहीं है। जैसे ही तुम मेरे करीब आओगी इंदु माइट कम, शी माइट थिंक देयर इज समथिंग बिटवीन अस एंड बहुत गड़बड़ हो जाएगी यार। ऑन ओके प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस। ओके ओके इनफ, थैंक यू। वैसे तुम लाइफ में करते क्या हो? धूम धूम बाइक रेसिंग। ओह, घर का खर्चा निकल जाता है उससे? नहीं चला तो क्या तुम पॉकेट मनी देने वाली हो? नहीं नहीं, मैं तो बस यू नो ऐसे ही पूछ रही थी, बैंक बैलेंस वगैरह के। डलवा देंगे, दहेज में मिलेगा ना। इंदु की दोस्त है, इंदु की सीए है, कितनी इंक्वायरी करती है। अच्छा ये बताओ, इंदु से पहले तुम्हारे कितने अफेयर थे? अफेयर नहीं थे क्या? अफेयर मतलब उस टाइप के ना, लव अफेयर्स नहीं थे। उस टाइप के मतलब? उस टाइप के मतलब आप क्या लिख के देना पड़ेगा, हर चीज का प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। समझ गई। वैसे मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ब्रोकर? व्हाट? अरे अरे वो वाला नहीं यार, तुम वो महान ब्रोकर हो जो दो प्यार करने वालों को मिला रहा है। कहाँ है मेरे दिल की धड़कन इंदु? ओह नो, सरदर्द हो रहा है। मैं तो भूल ही गई, उसने मुझे दूसरे गांव बुलाया था। कहीं की अब और उसे कितना तड़पाएगी, कह भी देना कि तू ही इंदु है। ऐसा चांस सबको नहीं मिलता। काय का चांस? अपने प्रेमी की आंखों में अपने लिए हर पल एक इंतजार, एक चाहत देखने का चांस। जैसे वो मुझे तलाशता है, जैसे वो मेरी फिक्र करता है, जैसे वो कहानियां बनाता है, कुछ कुछ होता है। मार ही डालोगे? ये मेरे दोस्त का बेटा रघुवीर है, ये हमारी जायदाद वापस करने आया है। बेटा इंदु, जब हमारे गेस्ट हाउस की इतनी अच्छी देखभाल है तो हमारे महल की देखभाल कितनी अच्छी होगी। तुम्हें वहां एक राजकुमारी की तरह देखने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा। क्या सोच रही हो? मुझे उस जायदाद की बिल्कुल फिक्र नहीं है, क्योंकि डैडी के चेहरे पर जो खुशी है वो मेरे लिए किसी जायदाद से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके अंकल। हाँ तो देर किस बात की, चलो महल चलते हैं। इतनी जल्दी? एक हफ्ते बाद चलते हैं, अभी मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम बाकी है। कैसा काम? एग्जाम्स तो फिनिश होने दीजिए। ठीक है। अघोरा उसके लिए पागल हूं मैं, पर अभी तक उसे छू भी नहीं पाया। जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश करता हूं लगता है किसी ने गर्दन उड़ा दी है। कैसा डर है ये मेरा, जी करता है इन्हीं हाथों से उसका गला खोल दूं। दिल में उसके लिए नफरत की आग भरी है। वो कौन है जो हमारे बीच में दीवार है? उसका उत्तर चाहिए अघोरा। ऐसी कोई बात नहीं जिसका उत्तर अघोरा के पास ना हो रघुवीर। काम वासना ये आज की नहीं,
400 वर्षों से ये भूख अधूरी है। 400 वर्ष पूर्व तू इस उदयगढ़ का सेनापति था। ये है तेरे पूर्व जन्म की कहानी। 400 साल बाद फिर से किसी का जन्म हुआ है? लगता है इसकी रात की उतरी नहीं है। मूर्ख बालक, कई शताब्दियों से उदयगढ़ का इतिहास इस ग्रंथ में है। ये है वहां की राजकुमारी महित्रा। कुछ याद आया? और जो इसके प्रेम में पागल होकर मर गया था वो था रणदेव यानी के तू। उसी प्रेम के कारण तुझे पुनर्जन्म लेना पड़ा। उसी वासना की तड़प में उसे पाने के लिए तू पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा है। तुम्हारी तरह एक और भी है जिसने उस राजकुमारी को पाने के लिए पुनर्जन्म लिया है। जब तक वो जीवित है तू कभी उसे स्पर्श नहीं कर सकता। अगर तू अपना प्रेम पाना चाहता है तो तुझे उस दूसरे प्रेमी को मारना होगा। मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा, ये मुझे कहाँ मिलेगा? जिस लड़की के कारण तूने इस धरती पर जन्म लिया वही तुम दोनों के मिलन का कारण बनने वाली है। पूर्व जन्म की तरह उसी के लिए तुम आपस में लड़ने वाले हो। इससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। तुम दोनों से पहले ये प्रकृति तुम दोनों को पहचान लेगी। जब तुम दोनों आमने सामने आओगे पशु और पक्षियों में हलचल मच जाएगी। ओ सूर्य का गोला भस्म होकर काला पड़ जाएगा और जो ज्वालामुखी की तरह उसका लावा बनकर बाहर आएगा वही होगा भैरव। सलीम भाई दो जाए कड़क। सुनना भाई, ये पुलिस के घोड़े कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। अगर मैं इन पर बैठकर इन्हें तगड़क तगड़क भगाऊंगा तो आसमान से परियां भी नीचे आ जाएंगी। अबे गधे की दुम, तू घोड़े पे बैठेगा? तेरा बाप भी कभी घोड़े पे बैठा था क्या? पका मत, चाय पीने दे। यार मैंने बचपन में कुत्ता बिल्ली घोड़ा सबकी सवारी की है। साले, कुत्ता बिल्ली और घोड़े की सवारी में फर्क होता है। ओह, मुझे तो लगा सब एक ही है। पर तेरी घोड़े की सवारी करने में इतनी फटती क्यों है? फटती नहीं है, मुझे पसंद नहीं है यार। आजकल लोग रेस कार्स और बाइक्स चलाते हैं, वहाँ घोड़े पर बैठने वाला गधा बस तू ही हो सकता है। गधा, that means donkey। मेरे साथ रहकर इस गधे को पता ही नहीं चला कि ये गधा बन गया है। हुकुम, हिंदू किसी लड़के के साथ बहुत घूमती है, उसका नाम शिव है, वो यहीं कहीं रहता है। कोना कोना छान मारो, जिस किसी का भी नाम शिव है उसे मेरे सामने लेकर आओ। पूरे मार्केट में फैल जाओ। हेलो बॉस, आगे यहाँ बैठ जाओ ना। ए, नाम क्या है तेरा? बिग बी। कौन सी नाटक कंपनी से आया तू? अबे तुझसे पूछ रहा हूँ, कौन सी ड्रामा कंपनी से? रामलीला करके आया है क्या? कलरफुल शेरवानी, पगड़ी, लॉकेट, पर दिखता बीच का है तू, सूट नहीं करता यार। वैसे इस गेटअप में नौकरी पक्की है तेरी? बर्थडे 1000 फिक्स होगा इसका। 5-star होटल में दरबान की नौकरी के लिए अप्लाई कर दे, जॉब लग जाएगी। इंदु इस नंबर पर बहुत फोन करती है। अनून, हेलो, ऑफर है, एक पे एक सिम फ्री, एसटीडी 10% है। डॉक्यूमेंट जमा कर दूंगा, थैंक्स। कितना पकाता है यार, शांत रहना यार। तू नहीं समझेगा, अरे सुन तो,
मेरी बात तो सुन यार। नहीं सुनी है यार मेरे को अभी। लगता है अपना फोन भूल गया। हुकुम ये तो आपका नंबर है। अघोरी ने जैसा कहा था वैसा तो कुछ नहीं है, शायद ये वो लड़का ना हो। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंदु के हर करीबी को मरना होगा। रुक रुक रुक, अबे बच्चे की जान लेगा क्या? अरे कैसा है गाना? गो गो शिव को बताऊंगी, वो पिटाई करेगा उसकी। अरे 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 भाई, बिना आईडी के अंदर कहां घुसे जा रहे हो? हेलो व्हाइट ड्रेस, मैं हूं। देख तेरा दीवाना आ गया। मैं अभी नहीं मिल सकती, एग्जाम खत्म होने के बाद मिलते हैं। ओके बाहर वेट करो। नो प्रॉब्लम यार, फुर्सत से एग्जाम दो। मैं तो बस ये बताने आया था कि इंदु मुझे मिल गई। तुम्हारी का जुड़वा भी है? क्या कहा, तुम्हें इंदु मिल गई है? ऑफ कोर्स, मेरे दिल की धड़कन मुझे मिल गई। तुमने उसके लिए जितनी मेहनत की, थैंक यू। ऊपर वाला तुम्हें मुझसे भी अच्छा बॉयफ्रेंड देगा। अरे अरे मैडम, एक बार अंदर आ गई तो बाहर नहीं जा सकती। शिव। हाय इंदु, योर वॉइस इज सो स्वीट। इस आवाज पे तो मेरी जान कुर्बान है। क्या कहा? रात को हमारे बीच जो वो सोच रही हो ना? कम ऑन यार, आजकल ये सब बहुत कॉमन है, यू नो।
क्या फर्क पड़ता है शादी के पहले ये हरकत करो या शादी के बाद? शादी इस वक्त? अरे हमें जिसने मिलाया ना उस ब्रोकर से मिलने आया था मैं, सोचा बिचारी को थैंक्स कह दूं। नहीं 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 नहीं, कहां वो छुचुंदरी जैसी छुई मुई और कहां मैं? मिलना है कहां? ओ लव गुरु गार्डन में। अब और इंतजार नहीं होता, मैं बस अभी आया। ओके हम दोनों को मिला के बहुत अच्छा किया इंदु, माय लव, इंदु मेरी जान, आ जाओ मैं तुम्हें एक पप्पी देता हूँ। पागल हो क्या? वो इंदु नहीं है। क्या मजाक कर रही हो? हेलो, यही तो मेरी इंदु है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, इंदु क्या इतनी काली भद्दी और भैंसे जैसी होगी? मेरी आंखों से देखो, तुम्हें इंदु की खूबसूरती का पता चलेगा। सच पूछ। अरे कैसे कहूँ, इंदु मैं हूँ। हनी डार्लिंग, ये दुबली पतली लड़की आकर हमें डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब कर रही हो? मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? छोड़ो इसे, हटो। तुम इंदु हो हाँ? तो अभी बताती हूँ, इधर आओ। मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ? छोड़ो इसे, बता अपनी शक्ल, बता। छोड़ मेरी इंदु, इधर घूम। टाड़ा। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? कैसी जल रही थी ना यार। अरे तूने एक किस दी तो इतनी जल गई, अगर मैं तुझे किस देता तो ये मुझे तुम्हारी डालती। मुझे नहीं पड़ना जलन में, लेके जा। ये लो तुम्हारा दुपट्टा। हे, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। मजाक करने का हक सिर्फ लड़कियों को है। और टच करने का हमारा। डोंट टच। ये अच्छा लग रहा है तो आप मेरे साथ राजस्थान चलिए, मैं आपको उदयगढ़ का किला दिखाता हूँ। छोड़ो ना मेरी चुन्नी। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? दोबारा तुझे अपनी बेटी के साथ देखा तो तेरी जान ले लूंगा मैं। इंदु सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, समझ गया तू? अगर हमें अलग करने की कोशिश की ना, जान ले लूंगा मैं, जान ले लूंगा मैं तेरी। अरे शिव, शिव छोड़ दे, छोड़ दो ने। इंदु, इंदु मेरी है, छोड़ूंगा ना मुझे। चल शिव, जान ले लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। शिव यहाँ से। मैंने आपको शिव के बारे में कुछ नहीं बताया, उसके लिए सॉरी डैडी। उसने गुस्से में आकर आपसे जो हरकत की वो इसलिए क्योंकि उसे डर है कि वो मुझे खो ना दे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ, पर मैं आपके फैसले के आगे कुछ नहीं कहूंगी, मैं उसे भूल जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए,
मुझे लगा आप इंदु को मुझसे जुदा कर देंगे, इसीलिए हाथ उठाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। बचपन से आज तक उसने मुझसे कुछ भी नहीं मांगा। आज पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है। उसने मुझसे कहा उसे शिव चाहिए। अगर मैंने उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं की तो ये उसके साथ अन्याय होगा। तुम दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। मैंने सोचा नहीं था आप मेरे प्यार को समझ पाएंगे। थैंक यू। क्या ये इंदु का मंगेतर है अंकल? सही पहचाना बेटा। उस दिन मैंने आपका मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राजकुमार लग रहा है, ये अच्छी जोड़ी बनेगी। जरा इसे देखिए, ये साबित करता है कि ये दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं। अच्छे ससुर जी, अच्छा दामाद, अच्छी बेटी, तो मुझे क्यों विलन बना दिया? अरे बेटा, अंकल 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 आंखें खोलिए, अंकल कुछ बोलिए ना अंकल। अरे मालकिन मालकिन, देखिए ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया मालकिन, इसने आपके पिता को मार दिया। मार दिया रे। अरे अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, बोलिए हटाओ उसे। तुमने मेरे डैडी को मार दिया, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। नहीं नहीं हिंदू हिंदू, ऐसा नहीं। हिंदू तुम गलत समझ रही हो, मैंने उनकी जान नहीं ली। तूने मेरे अंकल की जान ले ली, पुलिस को दे दो उसे। हिंदू जितनी जल्दी हो सके अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। हाँ चलो उठाओ, चलो चलो चलो। जब अंकल ने तुझे माफ कर दिया था तो फिर क्यों जान? हिंदू मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, इन्होंने मारा है। हेलीकॉप्टर में ले जाओ। ओ पायलट जल्दी करो जल्दी। इंदु इंदु मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा। इंदु 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 पायलट क्या कर रहा है, इंजन स्टार्ट। ओके ओके इंदु इंदु मत जाओ। इंदु मेरी है, अगर मैंने ठान लिया कि इंदु मेरी है तो वो मेरी ही है। से पहले ये प्रकृति तुम दोनों को पहचान लेगी। जब तुम दोनों आमने सामने आओगे, पशु और पक्षियों में हलचल मच जाएगी। ओ सूर्य का गोला भस्म होकर काला पड़ जाएगा और जो ज्वालामुखी की तरह उसका लावा बनकर बाहर आएगा वही होगा भैरव। अंदर बिठाओ, खत्म कर दो उसे। आजो आजो। रुको, 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 रुको
नहीं इंदु, वो हमारी शादी के लिए राजी थे तो फिर मैं उनकी जान क्यों लेता? मेरी बात का यकीन करो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें सुनना होगा इंदु। उदयगढ़ के चक्रवर्ती श्री 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 विक्रम सिंह महाराज की। हमारे राज्य के राज्यवासियों, इस प्रतियोगिता का निर्णय सुनाने के लिए और कोई नहीं, हमारे उदयगढ़ की भावी महारानी और हमारे महाराज की एकमात्र पुत्री राजकुमारी मैत्रा यहां मौजूद रहेंगी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले महाराज के भावी दामाद होंगे। पहले प्रतियोगी हैं इस राज्य के प्रधान सेनापति रणदेव प्रताप, और दूसरे प्रतियोगी होंगे शत्रुओं को पैरों तले रौंदने वाले सभी वीरों से महान वीर कौल खैरा। यह शुभ लक्षण देखकर तो लगता है कि राज्य का विनाश होने वाला है। कैसा विनाश राजगुरु? महाविनाश। 400 वर्षों में मात्र एक बार ही इन 8 ग्रहों का ऐसा योग बन पाता है। ये 8 ग्रह पृथ्वी के बहुत समीप होते हैं। ये इतने प्रकाशवान होते हैं कि दिन के प्रकाश में भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। इनके इस योग के 3 दिन में एक उल्का का पतन होता है। राजकुमारी के नक्षत्रों के अनुसार उन पर और इस राज्य पर विनाश की छाया मंडराने वाली है। क्या इस विनाश से बचने का कोई उपाय नहीं है राजगुरु? ये विधि का विधान है, इसे बदला नहीं जा सकता। हाँ महाराज, इसका संकेत हमें मिल चुका है। हमारे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि उदयगढ़ की सीमा पर 1,00,000 सैनिकों के साथ आक्रमण के लिए उतावला है शेर खान। शेर खान? शेर खान कौन है महाराज? भारत देश पर चढ़ाई करके समस्त राज्यों को जीत कर उन पर अपनी सत्ता रखना चाहता है ये महाक्रूर। शेर खान जिस राज्य की तरफ देखता है उसका सामंत शेर खान के डर से उसके अधीन होता है, और अगर कोई उसे युद्ध के लिए ललकारता है तो वो उसका साम्राज्य जड़ से समाप्त कर देता है। वो भयंकर तूफान हमारी सीमा पर खड़ा है। साजिद। हुजूर। उदयगढ़, वाह क्या खूबसूरत है। उस्मान। जी जनाब। 1 हफ्ते के अंदर हमारा झंडा उस किले पर लहराना चाहिए। 1 हफ्ता तो बहुत दूर है जनाब।
हुक्म करें तो मैं आज लहरा दूं। नहीं उस्मान, ये सोच गलत है। ये कभी किसी से हारे नहीं है। यहाँ के सैनिकों को जिसने शिक्षा दी है वो है वीरों का वीर काल भैरव। काल भैरव वो भगवान है क्या? खंजर जब उसके दिल में घुसेगा तो खून तो उसका भी बहेगा ना मान सिंह। आप सही हैं जनाब, पर ऐसा करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। उन वीरों में से आज तक ऐसा कोई नहीं बचा है जो 30 साल से ऊपर जीवित रहा हो। वो मौत को मौत नहीं खिलवाड़ समझते हैं। उसके कबीले में पैदा होने वाला 100 को मार कर ही मरता है। बकवास बंद करो। याद रहे मान सिंह, अब ये शेर खान नया इतिहास लिखेगा। ये तबाही अब तभी रुकेगी जब वो काल भैरव खत्म हो जाएगा, ये वादा है हमारा। 100 लोगों को मारकर हमें मारने के तुम्हारे खौफ को हम खत्म कर देंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। खाक में मिला देंगे जो 100 को मारने के लिए पैदा हुआ है। काल भैरव कुमारी। आपको मैं ही मिला दही गिराने को? ऐसे लहराते हुए चलेंगे तो यही होगा ना। जाओ जाकर मुंह धो कर आओ। आंख में चोली, आगे से ही नहीं पीछे से भी आते शत्रु से उदयगढ़ की राजकुमारी को होशियार रहना सीखना चाहिए। जब तुम साथ हो तो किस चीज का डर? इस राज्य की होने वाली महारानी दूसरे के सहारे पर है। दिल चूक गया तो निशाना भी चूक जाएगा। ओ, तो निशाना लगाना तुम ही सिखा दो हमें। ध्यान केवल निशाने पर। राजकुमारी मैत्रा देवी की जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध के लिए तू अभी बालक है। राजकुमारी को शस्त्र विद्या सिखाने चले हो? मैत्रा। सेनापति जी, अगर आप शस्त्र विद्या सीखना चाहती हैं तो ये रणदेव राणा आपके सामने उपस्थित है। इससे आप शस्त्र कला तो नहीं सीख पाएंगी, पर नृत्य कला अवश्य सीख लेंगी। उदयगढ़ का चक्रवर्ती श्री श्री विक्रम सिंह महाराज पधार रहे हैं। भैरव, शेर खान सीमा पर खड़ा युद्ध की तैयारी कर रहा है। अब तक तुम्हारा ही कबीला इस राज्य को बचाता आ रहा है। इस राज्य की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मैं इस राज्य की सुरक्षा करूंगा महाराज। ये अब अकेले नहीं है महाराज, इस युद्ध में अब हम इनके साथ हैं। भैरव ने हमें तीर धनुष चलाना सिखाया है।
आप देखेंगे। कितना सुंदर चित्र है, इसका अर्थ क्या है राजकुमारी? अपने प्रेम के लिए पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए इस वीर ने युद्ध के बदले लोगों में प्रेम जगाया है, ऐसा है मेरा भैरव। मैत्रा, रुक जाइए, आप अंदर नहीं जा सकते, ये राजकुमारी का कक्ष है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते, महाराज को पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। हम आ सकते हैं क्योंकि हम राजकुमारी के होने वाले पति हैं। तुम्हारी यही लज्जा तुम मुझे पागल कर देती है। तुम्हारा तन इस फल से भी ज्यादा मीठा है और इसी रस को निचोड़ कर मैं उसे पीना चाहता हूँ। इस फल की तरह मैं तुम्हारे तन को चबा चबा कर उसका रस निकालना चाहता हूँ। तुमने हम पर चाकू चलाने का दुस्साहस कैसे किया? इस फल में विष भी तो हो सकता है, इससे प्राण भी जा सकते हैं। अंगरक्षक का काम होता है रक्षा करना। क्षमा कीजिए सेनापति जी, किंतु आपके प्राण इस राज्य के लिए बहुत कीमती हैं। अब आप ये खा सकते हैं। ए! तू अपना जूठा हमें खिलाना चाहता है? हम खाएंगे इनका जूठा। अगर हमने ठान लिया कि कोई चीज हमारी है तो हर कीमत पर वो हमारी है। तुम हमारी ताकत को नहीं जानते। कल की प्रतियोगिता समाप्त होने से पहले तुम्हारी मौत के दरवाजे खुल जाएंगे। प्रतियोगी होंगे शत्रुओं को पैरों तले रौंदने वाले सभी वीरों से महान वीर काल भैरव। काल भैरव, बोला काल भैरव। प्रजा की तरह हम भी देखना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता को कौन जीतेगा। आरंभ किया जाए। इस प्रतियोगिता से पहले प्रजा के सामने आपको कुछ और बातें भी बतानी होगी महाराज। वो क्या है? आपके बाद इस सिंहासन पर बैठने वाला अगला कौन होगा? ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? राजा के बाद इस सिंहासन और राज्य की अधिकारी इनकी पुत्री राजकुमारी मैत्रा ही होगी। आज्ञा दीजिए महाराज। रुक जाओ भैरव, तुम्हारा इतना दुस्साहस, इसका कारण क्या है रणदेव? कारण है महाराज, ये इस राज्य को संभालेंगी जो स्वयं पर मुसीबत आते ही आंख बंद करके अपना बदन ढक ले, वो क्या तलवार उठाएंगी जिसमें आत्मरक्षा करने की ताकत ही ना हो, वो इस राज्य की रक्षा कैसे करेगा महाराज? हमारी सीमा पर शेर खान डेरा डालकर बैठा हुआ है, हमारी प्रजा डरी हुई है, थर थर कांप रही है,
ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता होनी चाहिए। ये जानने के लिए नहीं कि राजकुमारी के लिए अच्छा पति कौन है, बल्कि ये जानने के लिए कि अधिक साहसी कौन है। ये जानना भी अधिक आवश्यक है महाराज कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजकुमारी मैत्रा उसी से विवाह करेगी जो चुनरी लाकर इनका और राज्य का गौरव बचाएगा। अगर किसी को आपत्ति हो तो हमें सूली पर लटका दे, नहीं तो हमारी चुनौती स्वीकार करें। अब कोई उपाय नहीं है महाराज, प्रजा आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है, स्वीकार है या नहीं। हमें स्वीकार है। परंतु एक शर्त हमारी भी है। क्या है वो? जो भी पराजित होगा वो ये राज्य छोड़कर जाएगा। क्या बात है, हमें हराएंगी, राज्य से बाहर निकालेंगी और विवाह उससे। वो यहाँ जीवित लौटेगा तब ना। किंतु मैं इन्हें यहाँ जीवित लेकर आऊंगा राजकुमारी, आप अपनी आंखों से देखिएगा। जब शर्म के मारे ये इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो लोग इन पर थूकेंगे। राजकुमारी की चुनरी को जो पहले रेखा के पार ले जाएगा वही होगा विजेता। राज्य की सारी प्रजा चाहती है कि भैरव ही जीते महाराज, तो भैरव अवश्य जीतेगा। हाँ जानते हैं, लेकिन यही तो हमारी समस्या है। शरीर जितना मजबूत है दिल उतना ही कमजोर। अब क्या करेगा, चक्रव्यूह में फंस गया तू। अब तू घोड़ों के प्राण बचाएगा या राजकुमारी की आन, निर्णय तेरे हाथ में है। <laughs>
राजकुमारी का सम्मान बचाना है। ये तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की अग्नि परीक्षा है। चलो। जीतेंगे भैरव ही। तनिक उस ओर दृष्टि तो डालिए महाराज, भैरव ही जीता है। भैरव ही जीतेगा, ये हम जानते थे महामंत्री। तो फिर दुखी क्यों हो रहे हैं महाराज? राजकुमारी जी भी तो उन्हें ही प्रेम करती हैं। देखिए तो उन्हें, उनके चेहरे से कितना आनंद झलक रहा है। हम भी ये खुशी देख रहे हैं, पर ये भी देख रहे हैं कि वो जल्दी ही विधवा हो जाएगी। महाराज, काल भैरव उस कबीले से है जिसका हर आदमी अपनी जान इस राज पर न्योछावर कर देता है। कोई भी 30 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहता। शेर खान से लड़ते हुए मरना इसके भाग्य में लिखा है। ये जानते हुए भी हमने ये विवाह करवा दिया तो जीवन भर हम अपनी बेटी को विधवा ही देखते रहेंगे। राजगुरु ने यह भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। तुमने राजकुमारी की आन बचाई, तुम्हारे होते हुए हमें किसी बात की चिंता नहीं। ये मेरा धर्म है, राज्य के लिए तो मैं अपने प्राण भी अर्पण कर सकता हूँ। राज्य के लिए तो तुम अपने प्राण भी त्याग सकते हो, पर क्या राजकुमारी को त्याग नहीं सकते? महाराज, एक महाराज नहीं, मैत्रा का पिता तुम्हारे सामने भीख मांगता है। राजकुमारी मैत्रा की आबरू और उदयगढ़ का सम्मान, इनके लिए मैंने ये प्रतियोगिता जीती है, इस राज्य के सिंहासन के लिए नहीं।
मैं एक सैनिक हूँ और वही रहूंगा। महाराज ने आपको याद किया राजकुमारी जी, चले। भैरव, भैरव यहाँ नहीं है। वो यही है। भैरव, 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 भैरव यहाँ नहीं है राजकुमारी जी, वो युद्ध की तैयारी कर रहा है। भैरव यही कहीं है, हमारा दिल कहता है। क्या ऐसा हो सकता है राजगुरु? जी महाराज, हमारे राज्य से ऐसी कोस दूर एक जगह है भैरव पर्वत। वो आदि शक्ति भगवान काल भैरव का पवित्र स्थान है। अगर हम वहाँ जाके पूजन करें तो जो आपदा आई है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये पूजा कब करनी है? आठों ग्रहों के मिलने से पहले ही ये पूजा हो जानी चाहिए महाराज। उसके लिए मुझे शीघ्र ही पूजा की तैयारी के लिए निकलना होगा। प्रणाम। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। भैरव महाराज, पूजा की तैयारी करो। जी महाराज, चलिए राजकुमारी, यात्रा की तैयारी कीजिए। आयुष्मान भव, इन सात रंगों का अभिषेक कीजिए ताकि काल भैरव के आशीर्वाद से हमारे संकट दूर हो। भैरव जी राजगुरु, भगवान को खुश करने के लिए नगाड़ा तेज बजाना। जो आज्ञा। भैरव, हम ये पूजा नहीं करेंगे। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें हमसे प्रेम है कि नहीं। हमारे प्रश्न का उत्तर दो भैरव, हमें जानना है कि तुम्हारे दिल में हमारी क्या जगह है। उत्तर दो, हमसे मुंह मत फेरो भैरव। समय निकलता जा रहा है, पूजा आरंभ करें राजगुरु। शिरमुकुटजटाशेखरं चंद्रबिंबं तं 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 दीर्घकायं विकृतनखमुखं चोध्वरोमं कराळं पं 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 पापनाशं प्रणमतु। के पालन के लिए अपने प्रेम की बलि चढ़ा दोगे भैरव? लोग तुम्हें वचन का पक्का तो अवश्य कहेंगे, परंतु ये मत भूलना कि तुम्हारा दिया गया एक एक वचन
हमारे रक्त से लिखा जाएगा। शिवा शिवा भैरव, जयराम जयराम, ये किसने किया जयराम? रणदेव, रणदेव ने हमें धोखा दिया है। उसने शेर खान के साथ मिलकर किले के दरवाजे खोल दिए हैं। भैरव के जीवित रहते राजकुमारी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। राजकुमारी हमारी है। उसने महाराज की हत्या कर दी है और अब वो अपनी सेना के साथ यहीं आ रहा है राजकुमारी को ले जाने के लिए। जयराम, जहां एक एक वीर सौ सौ दुश्मनों को हलाल कर देता है। मानसिंह, हम साबित कर देंगे कि जो तुमने कहा वो महज एक दिल्लगी में बनाई गई कहानी है। ए भैरव, हमने सेनापति रणदेव को जुबान दी है कि वो लड़की इसी को मिलेगी। उस खूबसूरत बला को लाकर इसकी गोद में बिठा और हमारे सामने झुककर सलाम कर, तब हम तेरी जान बख्शेंगे। तू भी मेरी बात कान खोल कर सुन ले शेर खान। इस राजद्रोही को मुझे सौंप दे तो मैं तुझे और तेरी सेना को जीवन दान दूंगा। बहुत अच्छे, हमारी जान बख्शेगा खुदा है हम। अगर तू अपने बाप की औलाद है और तेरे बाजों में ताकत है तो तू मेरे उन सौ जाबाजों की टुकड़ी को मारना तो दूर, सिर्फ छू कर दिखा, हम तेरे राज और राजकुमारी को वापस लौटा देंगे। जितनों को भेजना है भेज, पर कोई वापस नहीं जाएगा। हमारी फौज की तादाद को देखकर तू वही दम तोड़ देगा। उसकी चिंता तू मत कर, बस देखना कि तू गिनती ना भूल जा। अगर हमारा एक भी जाबाज बच गया तो तेरी मौत पक्की। अब एक एक करके मत भेजना शेर खान, दम है तो सौ को एक साथ भेजने का हुक्म दे। हेखड़ी की इंतहा है, देख हमारी ताकत, शैतान की फौज। इनमें से एक भी नहीं बचेगा राजकुमारी, देखिएगा इनके कटे हुए सरों से निकलते हुए रक्त से काल भैरव का अभिषेक करूंगा मैं।
ये 23वां था, पीछे से मार। ये 29वां और 30 है, शैतान की औलाद, बगल से मार, पीठ पीछे, पीठ पीठ। जनाब 32 हो गए। अगर चाहता है तो और 100 सिपाहियों को भेज।
शाबाश, शाबाश, भैरव। हमने ऐसे भी राजा देखे हैं जो हमारा नाम सुनते ही अपना राज्य हमें सौंप देते हैं। ऐसी फौजें देखी हैं जो हमारी सुर्ख लाल आंखें देखते ही भाग खड़ी होती हैं। भैरव, तेरे दिल से खून निकलता रहा, फिर भी तो दुश्मनों को एक एक करके मारता रहा। पहली मर्तबा हमने ऐसा दिलेर देखा है। पूरे हिंदुस्तान को अपनी ताकत से खौफ जदा कर देने वाला यह बादशाह आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। हम किस्मत वाले हैं जो हमें तेरे जैसा जाबाज मिला। हाथ मिला मेरी जान। तेरे इतनी जरूरत को तो शेर खान के दोस्त। अपना वादा याद कर शेर खान। राज्य के साथ रानी को देने का वादा किया था तूने। अपनी दी हुई जुबान भूल गया शेर खान? बता, याद है कि नहीं तुझे? माफ करना भैरव। अब बताओ कि असली मर्द कौन है? नहीं हो सकती, वो किसी के भी नहीं हो सकती। हासिल करने के लिए तो इन काले अंधेरे बादलों को चीरता हुआ जरूर आएगा। तुझे आना ही होगा भैरव। लग रहा फंस गए बाप। आजा, आजा। इतना भारी कैसे रे? बड़ा मच्छी फंसे लगता है। अपन का टाइम बदल रहा है ना।
अरे सूद, ए थॉमस, इधर को आना। क्या हुआ सलमान? अरे तुम लोग खाली इतना मालूम करो कि मर्ड आइलैंड कितने में बिक रहा है, समझा क्या? मर्ड आइलैंड? काय को पूछ रहे? खरीदने की सोच रहा है। आप उनके जाल में बहुत बड़ा खजाना फंसा है रे। सच में? अरे सलमान, क्या खजाना मिला है रे? मर्ड आइलैंड तो छोड़, कोलीवाड़ा का झोपड़ा भी नहीं खरीद पाएगा। आप उनसे पंगा नहीं करने का, दांत नहीं निकालने का, चल हाथ लगा। अरे हटा रहे इसको। अरे अरे जाल हटा रहा। अरे 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 अरे, इतना जवान छोकरा, तू काहे को इस पे इतना जुल्म किया दरिया माता? ए मुलगा, ए पोरा, पोरा तू सुन रहे ना, दिख रहा ना तेरे को? अरे शेर खान ने अपन सलमान है बाप। ले भाई इसको तो अपन का शकल ही पसंद नहीं आया, फिर से सो गया, जाके रिक्शा बुला के ला। ए हाथ लगा, हाथ लगा। हाँ अरे किसके हाथ पैर तोड़ के लेके आ रहा है? ए आजी जाती भंकस मत कर, ए डेढ़ पसली हटना। ए ठीक से सोन, टाइम नहीं अपन के पास, लंबा सोई घुसेड़ दे तो गोली खिला, कुछ भी कर, ये छोकरा अपन को ठीक होना मांगता है। दो मिनट में कर देता हूँ। बाबा तेरा लंबा खंबा करंट मार रहा है। मुंह बंद कर बे। ओले मेरी पापलेट, जब भी तेरे को देखता है ना अपना दिल जो है ना मछली की तरह तड़पने लगता है। ओले 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 ओले, चुम्मा दे दे, चुम्मा देना। नहीं रे। देना। नहीं रे। चुम्मा देना। अरे सलमान, पूरा होश में आ रहा है। ए हट्टा, क्या हुआ रे इसको? लगता नहीं ये जिंदा रह पाएगा। चला अभी ठीक करता है इसको। अरे सलमान सलमान, क्या कर रहे हैं? अपने पास भी फार्मूला है, एक तेजी गया ना अंदर, एकदम चकास। शाबाश, देखा सलमान का कमाल। अरे देख कौन आया है। नमस्कार रघुवीर साहब। नमस्कार पंडित जी।
नमस्कार इंदु, यहाँ हार फूल चढ़ाने से अंकल की आत्मा को शांति मिलेगी। ये कपूर गोला है, पिताजी के नाम पर चढ़ा दो। प्रताप राठौड़, शिव, तुम्हारा दिल बहुत महान है। उसने तुम्हारे पिताजी को मार दिया, फिर भी तुम उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रही हो। पंडित जी, ये क्या किया तुमने? आखिर हुआ क्या? शिव, शिव मरा नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? हेलीकॉप्टर से गिरने के बाद? कुछ मत कहिए, वो अभी तक जिंदा है। इंदु, वो यही कहीं है। नहीं, काश इस जन्म में वो मेरे सामने कभी ना आए। मैं उसके साये से भी नफरत करती हूँ। बस बहुत हुआ, तुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तू मुझे मार सके। चला मार। आ, आ साले, ना तू मुझे तब मार पाया था और ना ही अब मार पाएगा सेनापति रंडे। तो तुझे पता चल गया? हाँ, अब बस इंदु को पता चलना बाकी है, और जैसे ही उसे अपना पुनर्जन्म याद आ जाएगा, तू मौत के दरवाजे पर जिंदगी की भीख मांगेगा। तूने मेरी इंदु को खून के आंसू रुलाए हैं ना, अब वही आंसू तेरी आंखों से निकलेंगे। ये काल भैरव उस जन्म की दुश्मनी इस जन्म में खत्म कर देगा। तेरे पास बहुत कम वक्त बचा है मेरे मुन्ना, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। अबे वहां खड़ा होके क्या सोच रहा है सलमान? अगर तेरा छोकरी इधर है तो उसको लेके कट ले। अरे सलमान, तेरी तो आज शादी थी ना, तू यहाँ कैसे? पिछले जन्म में अपन ने तुम दोनों को एक दूसरे से अलग किया था ना, इसलिए इस जन्म में अपन का पार्टनर अपने को नहीं मिलने वाला। जब तक अपन तुम दोनों को नहीं मिलवा देगा ना, तब तक अपन जिंदगी भर ऐसे कुंवारच रहेगा, छड़ेगा माफे। चल हाथ तो मिला दोस्त। ये क्या है हुकुम? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आसमान में कुछ अजीब गरीब हो रहा है। ये आठ ग्रहों का मिलन है, अघोरा। यही समय है वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी कर ले और इंदु को अपना बना ले। मुझे बताओ अघोरा कि अब मैं क्या करूं? इन आठ ग्रहों के मिलने तक अगर इंदु को अपना पुराना जन्म याद नहीं आया, इस जीवन में भी याद नहीं आएगा। बस तू इतना ध्यान रख कि वो इंदु से मिलने ना पाए, तब तो जीत तुम्हारी होगी रघुवीर। मैं जीत के दिखाऊंगा खोरा। इंदु, एक बार मेरी बात तो सुन लो। इंदु, ये बताना चाहते हो कि तुमने मेरे डैडी को कैसे मारा? इंदु, इंदु मेरे पास बहुत कम वक्त है, रघुवीर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। इंदु, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है,
प्लीज मेरे साथ चलो। और कितना झूठ बोलोगे, तुम ही ने डैडी को मारा है, तुम ही उनके खूनी हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कह दो कि वो झूठ है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम जैसे आदमी से प्यार किया। चले जाओ यहाँ से और कभी मेरे सामने मत आना। चुपचाप मेरे साथ चल, समझी ना। छोड़ो, चलो। सब जानता हूँ बच्चे, इस लड़की को पाना है ना तुम्हें, तो यही समय है। आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। आओ बच्चा, यहाँ आओ बच्चा, यहाँ। ठीक है ना? हाँ। और ये छोकरी भी ठीक है ना? ये भी। देख अपुन के पास और कोई रास्ता नहीं है, अपुन पहले खुद ही मारता है। वो पहला भाला मेरे को मारेगा, जब तक वो दूसरा उठाएगा तो छोकरी के साथ इधर से सटक लेना। सरमन, फालतू भंकस नहीं करने का अपने से। मैं एक बार तुम्हारी दोस्ती खो चुका हूं, अब दोबारा नहीं खोना चाहता। Thank you.
ये क्या किया तुझे? इंदु, 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 इंदु। अखोरा, तूने तो कमाल कर दिया। इन दोनों के कपड़े एक जैसे हैं। इंदु को बचाने का यही रास्ता है। जोर 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 से शाबाश पड़ा। बार 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 से का इजहार ना करके तुम्हें एक बार खो चुका हूं। पिछले जन्म की गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। पिछला जन्म? हाँ इंदु, पिछले जन्म में हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं याद करो इंदु, इसी काल भैरव के सामने तुमने मुझसे सवाल किया था कि मेरे दिल में तुम्हारी क्या जगह है। यहां इसी जगह मरते वक्त तुमने चाहा था कि मैं तुम्हारा हाथ थाम लूं, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता तुम यहां से गिर गए। यहां से गिरकर मर गई थी ना मैं। अगर तुमने प्यार का ये झूठा नाटक बंद नहीं किया ना, तो मैं सच कह रही हूं, अभी यहां से कूद कर जान दे दूंगी। इन अंतिम क्षणों में हमें यूं ना तड़पा, मुझे जाने दो वरना मैं सच में कूद जाऊंगी। अपने अंदर छुपे हुए प्रेम को अब तो अपने होठों पर ला दो।
अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। चल। हीर राजा के माफिक लग रहा है तुम दोनों। आगे खाई है। तो अब हम घर कैसे जाएंगे? सालमन है ना यहाँ। ए सालमन, हमें यहाँ से निकालना। ए तेरे बाप की उम्र का है, पुन पैरा पैर पड़ अपना। अरे 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 देख के नहीं तो खाई में जाएगा भिड़ू। तो तुझे क्या, तू कट लेना। ए ओरा, अगर कट लेगा ना तो सारी जिंदगी यहीं सड़ेगा। सुन रहे ला ना, जा रहे ला अपन। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। सलमान हाँ बोल 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 बोल। बहुत गर्मी है यार, तो कोल्ड ड्रिंक भेजना। अबे तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं, शेर खान की फौज भेजता हूँ। बात करता है, अरे पानी नसीब नहीं, इसको कोल्ड ड्रिंक मांगता है।